जी मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल श्रद्धा बोल रही हूँ। आपकी बेटी को क्रेडिट कार्ड के चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? जी हाँ, अपनी वकील को भी साथ में लेके आना। FIR हुई तो जरूरत पड़ेगी। लगता है किसी को मदद चाहिए। चलो छुड़वा देते हैं तुम्हें। ये लो, इन पेपर्स पे साइन कर। मैं जॉब छोड़ दूँ? एग्जैक्टली, मुझे बहुत जरूरत है इस नौकरी की। तो ढूंढ लो, चॉइस इज योर्स में समझ रहा था। लगता है तुम्हारा साइन करने का मन नहीं है। हम पुलिस वाले को बोल दे कि हमें FIR करनी है। जा, वो कार्ड आपका था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो कार्ड मेरा ही था। एक्चुअली हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं। FIR करके मिलेगा भी क्या? एग्जैक्टली सबू, हेलो भवानी चिटनीस। हाँ मैं भवानी चिटनीस बोल रही हूँ। कौन बोल रहे? जी मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल श्रद्धा बोल रही हूँ। मैंने आपके अभी बेटे को ही कॉल किया था, मगर उसको बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। अच्छा वो आप थे? सॉरी सॉरी, बोलिए ना क्या हुआ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपकी बेटी को क्रेडिट कार्ड के चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? जी हाँ मैम, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए मैम। मैम देखिए, मेरे बेटे चोरी नहीं कर सकती, उससे तो कोई गलती भी नहीं होती अनजाने से। अपनी बेटी की जितनी भी तारीफ करनी है पुलिस स्टेशन में आके करो। और हाँ, अपनी वकील को भी साथ में लेके आना। FIR हुई तो जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए जान, ये क्या हो रहा है? अब मुझे चोरी? तू चल, देखते हैं। चल 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 चल। मैम प्लीज FIR मत कीजिए, प्लीज मैम। ये कंप्लेंट करने वाले पे डिपेंड करता है मैम, लेकिन FIR से मेरा नाम खराब होगा, मेरी जॉब। मैं कैसे समझाऊं आपको, मैंने चोरी नहीं की। आप एक फोन करने देंगी मुझे? ओके, क्योंकि तुमने खुद ही माना है कि क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास ही था। मैम कार्ड मेरे पास था, लेकिन मैंने चुराया नहीं। मैं साबित कर सकती हूँ मैम, प्लीज। सूर्या, थैंक यू मैम। अभी सब क्लियर हो जाएगा। नहीं उठाए ना, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब जब तक तुम्हारी फैमिली या वकील आहूजा फैमिली से बात करके इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल लेते, तब तक तुम्हें हवालात में ही रहना होगा। मनाओ कि आहूजा फैमिली अपना केस वापस ले ले, नहीं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ अब अपनी जगह। सूर्या, तू दूसरी औरत को उठा के लेके आया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। अब तू मेरे बच्चों के हक का पैसा वो दूसरी औरत को दे देता है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुप रहिए एकदम। साहब इसको जेल में डालो, फांसी पे चढ़ा दो, भूखे प्यासे ये एक नंबर का। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बापा मदद करो, मैं क्या करूं? आई से कुछ नहीं होगा, मैं ना अपने दोस्तों को कॉल कर लेता। अच्छा है? तेरे दोस्त बड़े काम के? उस दिन कहाँ थे अगर ऐसा ही है तो, जब तेरे बाप ने तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया था, और उस दिन जब इतना बड़ा तमाशा हुआ था बिल्डिंग के नीचे। कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतने पैसे भी कैसे होगा?
वकील की फीस? फिर तो हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि आप कुछ नहीं कर सकती हो। अरे वो औरत ना बहुत बड़े लोगों के लिए काम करती है और वो लोग बहुत बुरे हैं। आई भी कुछ नहीं कर सकती है ताई का, और ताई तो फालतू में उन लोगों के लिए काम कर रही है। और ऐसो के लिए क्यों काम करिए तेरी बहन, जानता है ना तू किसकी वजह से? किसकी? तेरी। उस दिन तो बड़े दहाड़े मार मार के रो रहा था ना, पैसे नहीं है, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही सब सुन के अम्मू मजबूर हो गई, खुद को दोष देने लगी। अरे तेरे बाप के पास लौटने की बात नहीं की तूने? हैं? तो ये नौकरी भी कभी नहीं करती अम्मू? एक मिनट आंटी, मैंने ताई को कभी नहीं कहा कि वहाँ जाकर नौकरी करे। ताई अपनी मर्जी से सब कर रही है, और आप ना मुझे दोष मत दो। आई कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती और ना ही मुझे दोष देती है, है ना आई? देख भाव भवानी, आई कहाँ चली गई? हमें ताई को जेल से निकलवाना है। मुझे मदद चाहिए। अरे बेबे, वो अमृता चिटनिस विराट के क्रेडिट कार्ड को चोरी करके लाखों की खरीदी कर रही थी। अरे बा, जेल भिजवा दिया मैंने। ओए, और दिल खुश कर देता है पुत्र। कहाँ है वो? कौन वो? अमू के बाबा। तुम्हें कितनी बार समझाए कि जयेश तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका है, बार बार ऐसे बहाने बना के मत आया करो। उसको वापस पाने का ख्याल अपने दिल से उतार दो। वो मेरा है, तुम्हारी ये वो वगैरह वगैरह नहीं रहा वो। लेकिन मेरे बच्चों के बाबा तो रहेंगे ना वो? ऐसा मुझे भी लगा था, तो इसलिए जब मुझे पता चला कि अमू ने मेरे क्लाइंट्स के साथ क्या क्या किया, तो मैं गई थी जयेश के पास मदद मांगने। पता है उसने क्या कहा? हरगिज नहीं, मैं उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे चोर का बाप नहीं बनना। क्या? हाँ यही कहा था उसने, और सही भी है। मतलब इतनी शर्मिंदगी हुई है तुम लोगों की वजह से उसे, मुझे तो लगता है उसकी बर्दाश्त की लिमिट ना पार हो गई। मुझे पता है कि तुम लोग तंगी में जी रहे हो, लेकिन इस बार तो अमृता ने हद कर दी। चोरी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उनसे दो मिनट बात करने दो। वो घर पर नहीं है और तुम्हारा मेरे घर में आना अलाउड नहीं है। तुम चाहे तो उन्हें फोन कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो फोन उठाए। क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें भवानी, बच्चों को चोर बना दिया, अब इन सब में मुझे मत घसीटो। मौके का फायदा उठाना कोई मुझसे सीखे। बेचारी अमृता पता नहीं कितनी देर जेल में सड़ेगी। शेकी, ये पुलिस वाला फिर से कॉल क्यों कर रहा है? क्या पता है? भाई आपका क्रेडिट कार्ड कहाँ है? वो क्यों, क्या हुआ? जैन साहब, क्या हुआ? तुम्हारा कोई वकील नहीं है? नहीं सर। घर वाले? सर
मेरी आई बहुत डर गई होंगी, मैंने चोरी नहीं की। अरे दामे जी सर, इनके लिए कोई सरकारी व्हीकल ढूंढो। जी देखिए मैडम, मुझे लगता है अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो तुम्हें वकील की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने कंप्लेंट की है उनसे बात करके मैटर को सॉर्ट करो, ताकि एफआईआर करने की नौबत ही ना आए, नहीं तो हमें तहकीकात करनी पड़ेगी। और अगर एक बार मामला दर्ज हुआ तो चोर होने का धप्पा तो लग ही जाएगा। लगने दो, ये है ही चोर। तहकीकात होगी ना तो सबूत मिलेगा, ये है चोर। अरे साहब बैठे हैं, आप उधर बैठिए। ये पुलिस स्टेशन है। चुप रहिए, चुप। सबूत तो तब मिलेगा ना जब हम एफआईआर करेंगे, और वो सिर्फ तुम कर सकते हो विराट। वो क्रेडिट कार्ड पे नाम तो तुम्हारा लिखा है ना। अरे छोड़ो, जाने दो, हमारे एम्प्लॉई है बेचारी। हाँ बेचारी, किस वजह से वो बेचारी है? हाँ, और एक्स एम्प्लॉई। अरे मैंने सोसाइटी की चैट पढ़ी है, बुरे लोग नहीं है वो, बस बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और वो बुरा दौर मेरी वजह से नहीं, उसके बाप की वजह से है। I'm sure, गलती उस अमृता की मदर की होगी, वरना कौन सी औरत ऐसे अपने घर को संभाल नहीं सकती। हाँ बबीता चिटनिस। सॉरी सॉरी, वो बबीता भवानी दोनों बीबी से शुरू होता ना, तो गलती से हो गया। वो हमने बैचलर पार्टी प्लान की है ना, तो जाना है। ओ हाँ, तैयारी की तो करनी है। बैचलर पार्टी? राजीव ने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे नन्नी मेरी प्यारी बहन, उसको खुद नहीं पता पार्टी के बारे में। एक्चुअली उसके लिए सरप्राइज है, बता देंगे तो मजा नहीं आएगा ना। हाँ, और अगर तैयारी नहीं हुई टाइम से तो फिर पार्टी खराब हो जाएगी। Exactly. जाना है। पहले मुझे ये बताओ, ये वो अमू क्या नाम है उसका, पैदा गया है, उसका क्या हुआ? हाँ, जेल में कब तक रहेगी वो? अरे रहने दो उसे जेल में, जिंदगी भर क्या फर्क पड़ता है। मेरा जाओ, तुम पार्टी प्लान करो। मम्मा दैट्स इट। मैंने कहा ना रहने दो उसे, आई उसकी माँ गिड़गिड़ाते हुए, फिर देखोगे क्या करना है। लेकिन तब तक उसके लिए सिर्फ जेल, नो बेल। यस मॉम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या जरूरत है, चलो शेकिंग, लेट्स गो। चलो चलो। ओए ओए, पर तुझे जा किथे रहे हो? पार्टी दे घर विच है। बेबे वो करवाने फेशियल। फेशियल? मेरे कहने का मतलब वो अमृता भवानी चिटनिस ना, उसकी वजह से। उसने मेरे भाई को इतना स्ट्रेस दे दिया, बेचारा का चेहरा सूख गया। देखो देखो, हाँ छोले, तू इतना कोमल कब से हो गया? क्या बताऊं बेबे, जब से वो लड़की मेरी जिंदगी में आई है ना, प्रेशर कुकर बन गया, कभी भी फट सकता है। प्रेशर कुकर नहीं बेबे, दिमाग, दिमाग प्रेशर कुकर। अरे मत चलो, ऐसी बात है ना, पर तू बेटा फेशियल करो आके आ, और तू मसाज भी करवा। मसाज भी करवा जी। जी बेबे। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे दीदी आपने ना बहुत अच्छा किया, उस लड़की को ऐसे जेल पहुंचा के। हाँ एक सेकंड, अबे तू जिम बोल देता कि दारू लेने जा रहे हैं, फेशियल शेकिंग, लाइक सीरियसली। सॉरी यार, एक्चुअली क्या ना, मैं शॉक था, क्योंकि मैंने देखा तू बबीता आंटी की बात पे हाँ पे हाँ मिला दिया। बबीता आंटी ने कहा कि उस लड़की को जेल में पड़े रहने दो, तू एग्री हो गया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो तूने दिया था ना उसके मुंह में ऐसे करके डाल के गया था, क्रेडिट कार्ड तूने दिया था उस बिचारी को, याद है? हाँ, तो जा रहे हैं ना पुलिस स्टेशन, बहुत बेचारी है ना। एक काम कर, तू लिफ्ट से नहीं जाएगा, तू सीढ़ियों से चलेगा, बेचारी लग रही है ना तुझे, पैदल लेके जाऊंगा तुझे बैंड्रा पुलिस स्टेशन। जा। नहीं यार, जाऊंगा तुझे बैंड्रा पुलिस स्टेशन। बहुत दूर है यार। बैंड्रा पुलिस स्टेशन जा रहा है, क्यों? तो पुलिस तलाशी लेगी और तुम्हारा सारा काला चिट्ठा बाहर निकलेगा, और वो तुम्हारी दूसरी औरत उसको भी नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
लगता है किसी को मदद चाहिए। चलो करवा देते हैं तुम। थैंक गॉड आप आ गए सर। मैं इनसे कह रही थी आप आएंगे तो सब सॉर्ट हो जाएगा। Exactly, that's me. मैं सब सॉर्ट करता। क्या खास सॉर्ट करते हैं आप? आपने फोन क्यों नहीं उठाया? और आपकी मॉम को पता क्यों नहीं है कि मैं आपके लिए काम? ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। पति लोग पे ज्यादा भरोसा नहीं करना छोकरी। अरे पहले अपने प्यार के झांसे में फंसाएंगे, फिर किडनी बेच के खाएगा जी। सब एक जैसे होते हैं। अरे आप उसको छोड़िए, मेरी बात सुनिए ना। आप ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिए ना, मेरी आई टेंशन में होगी, मुझे घर जाना है, जेल में हूँ मैं। ओके काम नाउ चेकी। थैंक यू। ये लो इन पेपर्स पे साइन करो। अरे घबराओ नहीं, तुम्हारी किडनी नहीं ले रहा, अपनी हालत देखिए। बस प्रॉमिस ले रहा हूँ कि आज के बाद तुम मुझे धमकाओगी नहीं इस बात पे कि मेरी बहन के रोके पे दहेज का लेन देन एंड ऑल चल रहा था। एक्चुअली ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा था, ये तुम्हारी थिंकिंग है। बस इस पे साइन कर दो, एक गारंटी हो जाएगी। पढ़ लिया? वेरी गुड। दूसरी शर्त यह है कि मैं जॉब छोड़ दूं। एग्जैक्टली शेकी, अंदर रहकर बहुत स्मार्ट हो गया यार। सर देखिए, आई एम सॉरी, मुझे ना आपको उस तरह ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था। मैं नॉर्मली ये सब करती नहीं हूँ, आपको देखकर पता नहीं कि मेरा खून खोल। सर प्लीज, मेरी नौकरी मुझसे मत छीनिए, मुझे बहुत जरूरत है इस नौकरी की। ढूंढ लो दूसरी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी ना सर, आपकी वजह से मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। जॉब से ना, शादी से थोड़ी ब्लैकलिस्ट किया है। मैंने तुमसे कहा था ना एक अमीर लड़का ढूंढने पर। क्या है ना, जेल के अंदर अमीर लड़का मिलेगा नहीं, पर अमीर से आदमी ढूंढने के लिए तो तुम्हें जेल से बाहर निकलना पड़ेगा। जेल से बाहर निकलने के लिए पेपर साइन करने पड़ेंगे। पेपर साइन नहीं करूंगी तो FIR हो जाएगा। सो चॉइस इज योर्स, मिस अमृता। ये तो गलत है ना सर, मैंने कार्ड नहीं चुराया, आपने खुद मुझे कार्ड दिया था। वहाँ काम करने वालों को सब पता है। उनको ये भी पता है कि विराट आहूजा उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। तुम्हें सीरियसली लगता है कि वो मेरी और मेरी फैमिली को छोड़ के तुम्हारी साइड लेंगे? आई पहले से ही परेशान है, अगर ये कंप्लेंट हुई तो वो सह नहीं पाएगी, ऊपर से कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी। लगता है तुम्हारा साइन करने का मन नहीं है। शेकी, एक काम कर, वो पुलिस वाले को बोल दे कि हमें FIR करनी है। जा। अच्छा, रुकिए। No emotional drama. Choice दे दिया तुम्हें, it's either my way or highway. Pen. आज पेन है मेरे पास। सही कह रही थी। क्या? एक दिन किडनी भी ले जाएंगे। अरे तो भगवान ने किडनी किस लिए दी है? भगवान ने दो किडनी इसलिए दी है ताकि अगर कोई आपकी किडनी ले जाए तो हम दूसरी किडनी पर जी सको। जैसे अरे भवानी चिटनिस, सुधा बाबू तुम्ही बैंड्रा में? मुंबई कब आए? पिछले महीने। नीतू बहने कैसी है और बच्चे कैसे? सब अच्छे हैं और सब याद करते हैं तुमको। मैं भी उन्हें बहुत याद करती हूँ।
और पिछली बार मदद नहीं कर पाई इसलिए खरत सॉरी। अरे नहीं, तुम जो कर सकती थी तुमने किया, ठीक है। अरे अरे सौभाग्यवती बहुत। वैसे तुम यहाँ कैसे? यहाँ से फोन आया था कि मेरी बेटी अमृता चिटनिस है ना। वो तो देखिए ये चोर बोर नहीं है, ऐसा इसने कुछ नहीं किया। I'm sorry, I... अरे तो आप इस केस के बारे में बात करना चाहते हैं? जी देखिए, मैंने मिसेस आहूजा से भी कहा था ये केस सिर्फ मिस्टर विराट ही दर्ज कर सकते हैं। वो कहाँ है? जी मैं कड़ाकपा। मिस्टर विराट आहूजा? जी। वो कड़ाकपा था? अब हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो कार्ड मेरा ही था, बट एक्चुअली हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं तो एफआईआर की तो जरूरत ही नहीं है ना। चेकी हाँ ना, एफआईआर करके मिलेगा भी क्या? एग्जैक्टली सबूत। उस दुकान में काम करने वाले भले ही अपना मुंह खोले लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा वो सारे राज खोलेगा। और एक बार ये सब साफ हो जाएगा ना, उसके बाद छोड़ना मत इन लोगों को। माँ बेटे पर मान हानि का दावा कर देना। जी हाँ हाँ सर, सर आप एफआईआर दर्ज कीजिए ना। ठीक है। अरे क्या ठीक है सर, आप इनकी मत सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एफआईआर की कोई जरूरत नहीं है, हम आपस में बात कर रहे हैं। कहो ना मैंने तुमसे चौक कर दूँ। सर सब सब सॉर्ट हो गया है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमने सब आपस में बात कर लिया, एफआईआर की कोई जरूरत नहीं है। सूर्या लॉकअप खोल, जल्दी खोलिए।